हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो आज हम कवर करने जा रहे हैं अपने जनरल नॉलेज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्ज़ाम्स में भी आ चुका है। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है हमारा कि व्हाट इज द नेम ऑफ द टैबलेट कंप्यूटर प्रोड्यूस्ड बाई डेटा विंड विच इज प्रोमोटेड बाई द गवर्नमेंट फॉर इंडिया एज पार्ट ऑफ ई लर्निंग प्रोग्राम। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, दो पार्ट में डिवाइड यहाँ से करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टैबलेट कंप्यूटर प्रोड्यूस्ड बाय डेटा विंड, डेटा विंड के द्वारा, ठीक है, डेटा विंड के द्वारा एक टैबलेट कंप्यूटर लॉन्च किया गया या बनाया गया, ठीक है। तो वो जो टैबलेट कंप्यूटर था, उस टैबलेट कंप्यूटर को गवर्नमेंट के द्वारा प्रोमोट किया गया कि ई लर्निंग प्रोग्राम के लिए, किस चीज़ के लिए, ई लर्निंग प्रोग्राम के लिए। मतलब ई लर्निंग मतलब आप समझिए, ई मतलब हो गया इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। मतलब जैसे अभी तो फिलहाल अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक ई लर्निंग ही कर रहे हैं, जैसे ऑनलाइन स्टडी करना, ये सब ई लर्निंग के अंदर में आता है। ऑनलाइन स्टडी करना, ये सब ई लर्निंग के अंदर आता है, ठीक है। तो यही डेटा विंड के द्वारा एक टैबलेट कंप्यूटर बनाया गया जिसको गवर्नमेंट के द्वारा प्रोमोट किया गया कि ई लर्निंग का काम किया जाए, ई लर्निंग प्रोग्राम किया जाए। तो वो जो टैबलेट कंप्यूटर लॉन्च किया गया, उस टैबलेट कंप्यूटर का नाम क्या था, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है, आंसर होगा इसका आकाश। तो आकाश नाम था वो टैबलेट कंप्यूटर का, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाम ऐसे आपसे पूछ सकता है। और ये जो है ई लर्निंग के लिए है और गवर्नमेंट के द्वारा प्रोमोट किया गया, इसको गवर्नमेंट के द्वारा परमिशन दिया गया, ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन टू, व्हाट इज द लैका डाइव सी अदरवाइज नोन एज। लैका डाइव सी को हम दूसरा किस नाम से जानते हैं, तो अरेबियन सी को हम लैका डाइव सी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देन क्वेश्चन थर्ड, साजन प्रकाश रिलेटेड टू, ये जो साजन प्रकाश है ये किस चीज से रिलेटेड है, या पिक्चर आप थोड़ा मोड़ा देख सकते हैं। तो ये स्विमिंग से रिलेटेड, ये स्विमर है एक, ठीक है, साजन प्रकाश वाज अ स्विमर। क्वेश्चन फोर, फर्स्ट नोबल प्राइज फॉर मेडिसिन वाज गिवन फॉर विच डिजीज। पहला नोबल पुरस्कार, नोबल प्राइज मेडिसिन के लिए, मेडिसिन में दवाई, मेडिसिन मतलब दवाई, ठीक है। देखिए, फर्स्ट नोबल प्राइज फॉर मेडिसिन वाज गिवन फॉर विच डिजीज, किस डिजीज बोलिए या किस बीमारी के लिए फर्स्ट नोबल प्राइज मिला था, तो मिला था आपका डाइप्थेरिया। डाइप्थेरिया एक डिजीज का नाम है, इस डिजीज का मेडिसिन के लिए फर्स्ट नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। देन क्वेश्चन फिफ्थ कह रहा है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मेघालय। मेघालय जो है ये इंडिया का एक स्टेट है, एक स्टेट है मेघालय, ठीक है। और जो मेघालय है मैप में कहाँ पे है, इस जगह पे आप देख सकते हैं, ये देखिए इस जगह पे, ये देखिए इस जगह पे मेघालय है, देखिए ग्रीन ग्रीन ये जो देख रहे हैं मेघालय। तो ये मेघालय का कैपिटल पूछ रहा है, मेघालय का कैपिटल होता है शिलोंग, ठीक है, याद रखिएगा। देन क्वेश्चन सिक्स, सुभाष घोष इज रिलेटेड टू, ये जो सुभाष घोष हैं ये किस चीज से रिलेटेड हैं, ये रिलेटेड है आपका म्यूजिक से। म्यूजिक में कौन, किस टाइप का म्यूजिक, क्लासिकल, क्लासिकल म्यूजिक से रिलेटेड है ये सुभाष घोष, ठीक है। देन क्वेश्चन सेवन, हु इज द फाउंडर ऑफ आजाद हिंद फौज। आजाद हिंद फौज का खोज किसने किया था, तो वो किए थे सुभाष चंद्र बोस जी ने, और यहाँ आप तस्वीर उनका देख सकते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन एट, हु इन्वेंटेड www, ये जो www है ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, पहले ये है। देन ये कहाँ यूज होता है, जैसे अगर हम कोई भी वेब ब्राउजर खोलते हैं, वेब ब्राउजर खोलने के वक्त कोई भी हम URL में देखेंगे ना, तो उसके पहले लिखा होगा www, जैसे कि आप अभी YouTube में देख रहे हैं तो लिखा होगा www.youtube.com,
YouTube.com, तो यही YouTube.com के पहले लिखा हुआ रहता है www, तो यही www का फुल फॉर्म क्या है? तो www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। और ये जो www है इसको इन्वेंट किसके द्वारा किया गया, ये पूछ रहा है मेन क्वेश्चन में। ये किया गया था आपका टीम बर्नर्स ली के द्वारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है, ठीक है। देन क्वेश्चन 9, व्हाट इज द मेन एलिमेंट ऑफ मार्स गैस। ये जो मार्स गैस है इसका मेन एलिमेंट क्या है? तो मेन एलिमेंट है इसका मीथेन, ठीक है। देन क्वेश्चन 10, व्हेन वाज इंडियन नेशनल कांग्रेस, मतलब शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं INC, फॉर्म्ड। ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है ना, ये एक पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है, ये एक पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है। और इस पार्टी को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं INC, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस। और ये जो INC पार्टी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये एक पार्टी है। और ये कब खोजा गया, कब बना, ये सिंपली पूछ रहा है, कब बना, फॉर्म्ड हुआ। तो ये बना था आपका 28 दिसंबर 1885 को, याद रखिएगा, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। और एग्ज़ाम में कभी कभी क्वेश्चन घुमा भी देगा, पूछेगा कि 28 दिसंबर 1885 को कौन सा पार्टी सामने आया, ये सब पूछ सकता है। तो आपका आंसर होना चाहिए इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC, ठीक है। देन सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे जल्दी एक और नए अच्छे वीडियो के साथ।